साइंस की चंदे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का सेकेंड चैप्टर विलयन यानी संयोजन। ये पूरा चैप्टर जो है हम हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कवर कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो ये शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम, राउल्ट्स का नियम, ऐसे कई सारे नियम हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर बात करेंगे हम हेनरी के नियम की, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस की विलायक में विलेयता, गैस की विलायक में विलेयता, यानी गैस यदि कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है और वो विलायक यानी जो लिक्विड स्टेट में है उसकी विलेयता जो होती है उसको निर्भर करने वाला जो मात्रात्मक संबंध है वो किसने किया था? वो सर्वप्रथम अंग्रेज रसायन शास्त्री हेनरी ने बताया था। ठीक है, तो हेनरी द्वारा बतलाए गए संबंध को हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का क्या नियम था? तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान रखना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी मान लेते हैं कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में एक द्रव है एक गैस है, तो गैस की द्रव में विलेयता जो होगी उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी यदि दाब बढ़ाएंगे तो गैस ज्यादा मात्रा में डिजॉल्व होगी, ज्यादा मात्रा में घुलेगी, यानी विलेयता बढ़ेगी, और यदि दाब कम करेंगे तो विलेयता कम होगी। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में जो गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है, वो CO2 गैस किस बात पे डिपेंड करती है? क्योंकि प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से उसमें डिजॉल्व होती है। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कम होता है, वैसे ही CO2 गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है, मतलब उसकी विलेयता कम हो जाती है। क्या है इस नियम में? अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है। अक्रिय गैसों के लिए, मान लेते हैं कोई भी गैस डिजॉल्व हो रही है और वो गैस अक्रिय है। अक्रिय गैस मतलब उसमें कौन कौन सी हो सकती है? उसमें आपकी हीलियम हो सकती है, उसमें आपकी नियान हो सकती है, उसमें आपकी आर्गन हो सकती है, उसमें आपका जीनान हो सकता है, उसमें आपकी रेडॉन हो सकता है। तो ये सभी गैसें क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। अगर इसको हम किसी भी सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो जो हेनरी नियतांक का मान है वो क्या होगा? वो बिल्कुल सबसे अधिक होगा। ठीक है, मतलब अक्रिय गैसें जो होती हैं वो बहुत कम डिजॉल्व होती हैं, बहुत कम घुलती हैं। सेकंड क्या है कि ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी नियतांक जो होगा उसका मान बढ़ेगा। तो जब उसका मान बढ़ेगा इसका मतलब विलेयता कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो भी गैस उसमें डिजॉल्व होती है उसकी विलेयता कम होने की वजह से वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। के का मान बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, अतः जलीय जंतु गर्म जल में की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक फील करते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक रहती है। अगर हम बात करें जलीय जीवों की, तो जलीय जीवों में जो जलीय जीव होते हैं वो ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि गर्म पानी में। तो उसका रीज़न उसका टेम्परेचर से नहीं है, बल्कि उसका रीज़न ये है कि जो ठंडा पानी होता है उसमें विलेयता ज़्यादा होती है गैस की, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा डिजॉल्व होती है, जो उनके लिए सुविधाजनक होता है। लेकिन अगर पानी गर्म होगा तो गैस की विलेयता कम होगी, और गैस की विलेयता यदि कम होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो जो जीवन का प्राण आधार है ऑक्सीजन गैस वो उन्हें कम मिल पाएगी, और जिसकी वजह से उनका जीवन जो है अच्छे से नहीं चल पाएगा। यदि विलयन में गैस के मोल अंश, ध्यान से सुनना, यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने, मान लेते हैं कोई भी विलयन है, उस विलयन में गैस के जितने मोल डिजॉल्व हैं, भाई गैस की एक मात्रा होगी, वो मात्र जितनी मात्रा उसमें डिजॉल्व है उसको हम विलेयता की माप माने। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी कोई भी गैस किसी भी विलायक में जितनी डिजॉल्व होती है वो हो गया उसके मोल अंश। ठीक है, वो उसमें जो गैस है
उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी, क्योंकि आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी, यानी विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। अतः सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ध्यान रखना किसी भी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यदि मान लेते हैं पी है और उस विलयन में गैस के मोल अंश यक्स हैं तो उसके समानुपाती होगा। तो आपका हेनरी का जो नियम है वो क्या कहता है, पी इज्कल टू के एच एक्स, पी इज्कल टू के एच एक्स। तो के एच एक्स यहाँ पर क्या है, के एच एक्स यहाँ पर हेनरी नियतांक है, यक्ष आपका क्या है, एक्स आपका मोल अंश है, और पी आपका क्या है, पी है आपका आंशिक दाब। तो ये फार्मूला हो गया किसका, हेनरी के नियम का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं कि हेनरी का नियम में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से रहेगा। तो समीकरण फर्स्ट के अनुसार दिए गए दाब पर के एच यानी हेनरी नियतांक का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। यानी हेनरी नियतांक का मान जितना, हेनरी नियतांक अभी हमने बात की थी कि हेनरी नियतांक का मान अक्रिय गैसों के लिए ज़्यादा होगा, फिक्स नहीं रहता, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ये बात ध्यान रखना। तो हेनरी नियतांक का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी भी कम होगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सामान्य ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है, सामान्य ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है, ये बात ध्यान रखना। अर्थात के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, के एच का मान किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति के। तो जिस तरह की गैस होगी उस तरह से उसका मान बदलता रहेगा, जिससे अभी हमने बात की अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा मान होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ है बगल में, आप देख सकते हैं ग्राफ किस तरह से काम करता है। तो गैस के आंशिक दाब तथा विलयन में गैस के मूल अंश के बीच में ग्राफ है, यानी जब समानुपाती है तो निश्चित तौर पे है कि जैसे जैसे आपका मूल अंश की संख्या बढ़ेगी वैसे ही उसका दाब भी क्या बढ़ता जाएगा। ये इधर अपन जाते हैं तो ये अपन क्या मूल अंश बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मूल अंश बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका आंशिक दाब भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने HCl के यानी हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है उसके मोल अंश लिए हैं, वो किसी चीज़ में अगर डिजॉल्व है तो उसका एक ग्राफ है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। हेनरी नियम का अनुप्रयोग कहाँ होता है, हेनरी का नियम का जो अनुप्रयोग कहाँ होता है, अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला इसका है कि उच्च पहाड़ी स्थानों पर यानी पहाड़ी में सबसे ऊपर स्थान पर अगर हम जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है जिससे वायु दाब भी कम होता है, भाई जहां पर वायु कम है वहां पर वायु दाब कम हो जाएगा, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है। आपने देखा कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। अब जब ऊपर दाब कम है इसका मतलब जो ऑक्सीजन गैस है उसकी द्रव में यानी जो आपका रक्त है उसमें विलेयता कम हो जाएगी, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस की मात्रा विलेय होती है। शरीर कमजोर होने लगता है, जब ऑक्सीजन कमी होने लगती है तो शरीर भी कमजोर होने लगता है, तथा स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है, और इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जब पहाड़ में बहुत ऊपर जाने लगते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, उनको कमजोरी सी आने लगती है ना, तो इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, दाब कम होने से ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एनोक्सिया आपको हो जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका, चूंकि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय जल CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें आपको ऑक्सीजन को डिजॉल्व करना है, तो ऐसे नॉर्मल तौर पर ऑक्सीजन डाल दोगे तो डिजॉल्व नहीं होगी, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको डिजॉल्व करते हैं। वैसे ही जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से निकलती है ना, तो वो इसीलिए निकलती है क्योंकि दाब कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है डिजॉल्व होती है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। तीसरा इसका अनुप्रयोग है कि जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं, समुद्री जो गोताखोर होते हैं जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। अगर ऊपर पहाड़ में जाएंगे तो आपका जो दाब होगा वो कम होगा, लेकिन अगर समुद्र में नीचे जाएंगे तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ पर दाब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है शरीर के रक्त में ज़्यादा डिजॉल्व होने लगती है ना।
विलेयता बढ़ जाती है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है और दाब कम होने पर रक्त में घुली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में रुधिर में कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है, जिससे रक्त का प्रवाह जो होता है वो रुकावट में आता है। इस स्थिति को घातक कहते हैं और इसे हम बोलते हैं वेंटश। क्या बोलते हैं? वेंटश। इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैसें जैसे हीलियम और नियान मिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो सिलेंडर होते हैं गोताखोर के, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन गैस के साथ उसमें नियान और हीलियम जैसी अक्रिय गैसें मिलाई जाती हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो अक्रिय गैस होती हैं उन वो डिजॉल्व नहीं होने देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं राउल्ट का नियम। अब हम बात करेंगे राउल्ट का नियम का। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील, ध्यान रखना, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन के उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रव, मतलब दो द्रव हैं, दोनों विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं और दोनों वाष्पशील हैं, यानी उसको गर्म करेंगे तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम एक एक अवयव का आंशिक दाब की बात करें तो उसके जो मूल अंश होते हैं उसका समानुपाती होता है। मतलब जिस गैस का मूल अंश ज्यादा होंगे उसका आंशिक दाब भी ज्यादा होगा, जिस गैस के मूल अंश कम डिजॉल्व होंगे उसका दाब भी कम होगा। क्लियर। माना एक पात्र में दो वाष्पशील द्रव हैं, माना एक पात्र में दो वाष्पशील द्रव हैं, विलयन के इनके मूल अंश क्रमशः x1 व x2 हैं तथा वाष्प अवस्था में इनके आंशिक दाब क्रमशः p1 और p2 हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि p1 इक्वल टू p1 नॉट x1। अच्छा, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे p1 इज प्रोपोर्शनल टू x1, यानी उसका आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और आएगा आपका नियतांक p1 नॉट। ठीक है, तो यहां पर p1 नॉट क्या है? प्रथम घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, जबकि निश्चित ताप पर p1 नॉट क्या होता है? नियत रहता है, यानी ताप यदि बढ़ाए घटाए नहीं तो p1 नॉट का मान फिक्स होता है, जिसे हम नियतांक कहते हैं, जो कि शुद्ध पदार्थ शुद्ध अवस्था में यदि वो है तो उसका वाष्प दाब होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे गैस की बात करें, दूसरे गैस का जो दाब होगा p2 इक्वल टू p2 नॉट इंटू x2, यहां पर p2 नॉट दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जबकि कुल दाब अगर हम बात करें p इक्वल टू क्या होगा? p1 प्लस p2, यानी पहली गैस का और दूसरी गैस का दोनों को वाष्प दाब को यदि हम टोटल कर देंगे तो टोटल दाब आ जाएगा। क्लियर। p1 और p2 का मान रखने पर, आप p1 और p2 दोनों का अगर मान रख देंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा p1 x नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। चूंकि x1 प्लस x2 1 होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि किसी भी विलयन में जितने भी गैस डिजॉल्व होते हैं उनका यदि हम मूल अंश निकालें और सभी मूल अंश को टोटल कर देंगे तो उसका मान कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर दो कंटेंट हैं, एक का x1 है एक का x2 है, दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2, हमने पक्षांतर कर दिया है तो x1 की वैल्यू अपनों को पता चल गई। अब x1 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x1 का मान यदि समीकरण एक में रख देंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा p इक्वल टू p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2। ये क्या कहलाता है? आपका राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, किसी विलयन के लिए आंशिक दाब p1 तथा p2 का x1 तथा x2 के विरुद्ध ग्राफ, यानी दाब और उसके मोल अंश के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। तो नॉर्मल तौर पे मोल अंश और दाब एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो किसी विलयन के लिए आंशिक दाब P1 या P2 का X1 तथा X2 के विरुद्ध ग्राफ रेखीय सरल होता है, सरल रेखा में जाता है, सीधे चला जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें कि इसके मोल अंश की बात करें, तो इधर यदि हम जाएंगे तो हम मोल अंश में वृद्धि कर रहे हैं और इधर जाएंगे तो वाष्प दाब में वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मान लेते हैं मोल अंश आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी क्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वाष्प दाब कम करते जाएंगे
वैसे वैसे मोल अंश भी कम होता जाएगा। अब हम बात करेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श और अनादर्श विलयन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो आदर्श विलयन क्या होता है कि सांद्रता व ताप की सभी रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कोई भी विलयन है अगर वो किसी भी अवस्था में, चाहे सांद्रता की बात करें, चाहे ताप की बात करें, चाहे दाब की बात करें, अगर वो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो आदर्श विलयन है। राउल्ट के नियम का अनुसरण नहीं करते, लेकिन जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सेकंड है, अवयवों को मिलकर विलयन बनाने में ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन। यानी जो आदर्श विलयन होते हैं उनको बनाते समय ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना तो एंडोथर्मिक, यानी ना तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है और ना तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर अनादर्श विलयन की बात करें तो जब अवयवों को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यानी ऐसा विलयन जब दोनों को बनाया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया जाता है, तो यदि एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो अनादर्श विलयन कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका, विलयन का कुल आयतन यानी जो विलयन है उसका कुल आयतन अवयवों के अलग अलग आयतन के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं किसी का आयतन W है किसी भी विलयन का, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, मान लेते हैं उसमें W1 मिला हुआ है, उसमें W2 मिला हुआ है, तो उनका यदि टोटल कर देंगे तो टोटल जो होगा उसका वेट आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके, तो विलयन का कुल आयतन अवयवों के आयतन के योग से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होके निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध अवयवों के अंतराण्विक आकर्षण अन्योन क्रियाएं विचलन के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण अन्योन क्रियाओं के सामान्य होते हैं। यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनके बीच में जो अंतराण्विक फोर्स होता है, बल होता है, उसकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो क्रियाओं के समान होती हैं, अर्थात वे एक साथ आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन में होता क्या है कि विलयन की जो आंतरिक आकर्षण अन्योन क्रियाएं हैं वो शुद्ध अवयव में अंतर आण्विक आकर्षण अनिक्रियाओं से विभिन्न होता है। यानी जो मान लेते हैं, सिंपल सी बात करना, किसे मान लेते हैं, शुद्ध पदार्थ है कोई भी चीज़, शक्कर और पानी दोनों का विलयन बनाना है, तो शक्कर क्या है, अलग शुद्ध है, पानी अलग शुद्ध है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो शक्कर के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, जबकि जब मिक्सर में अगर मिक्स कर देते हैं तो कम हो जाता है। तो यदि कम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तो अनादर्श विलयन है, अगर सेम रहता है तो आदर्श विलयन है। उदाहरण की बात अगर हम करें तो आदर्श विलयन का उदाहरण होता है आपका बेंजीन और टायलुइन का विलयन। बेंजीन अगर टायलुइन को दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो आदर्श विलयन बनेगा, लेकिन अगर एथेनॉल और एसीटोन को मिला दिया जाए तो अनादर्श विलयन बनेगा। तो आइए जानते हैं दोनों को विस्तार से कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं या फिर अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें आदर्श विलयन की, कि आदर्श विलयन किसे कहा जाता है, तो आदर्श विलयन क्या होता है कि वे विलयन जो सांद्रता तथा ताप के हर स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे सभी विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं और जो पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, एक है अवयव आपका ए तथा दूसरा है अवयव आपका बी। यदि कोई विलयन निम्न सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो वो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वो विलयन राउल्ट के नियम का अनुसरण करना चाहिए जो निम्न प्रकार है, अर्थात निम्न शर्त को पूरा करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं पी, पी क्या होता है आपका, उसका दाब पी ए नॉट, पहले वाले का दाब पी ए नॉट एक्स, ये आपका वो मोल अंश है पहले वाले का, प्लस पी टू दूसरे का दाब और एक्स भी जो है दूसरे के मोल अंश। इस नियम का यदि पालन करता है तो इसका मतलब क्या है, वो आदर्श विलयन। सेकंड पॉइंट यह है कि अवयव ए तथा अवयव बी के आयतन का योग इन दोनों से मिलकर विलयन के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो विलयन है ए और बी, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो यहां पर बन जाएगा ये, या मान लेते हैं आपका विलयन है, तो ये विलयन कैसे बना हुआ है, इस विलयन में दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, एक आपका ए मिला हुआ है, दूसरा आपका बी मिला हुआ है, ठीक।
तीसरा क्या कहता है कि विलयन बनाने के लिए जब दोनों अवयवों को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अवयवों को मिलाने से इस क्रिया में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना तो अवशोषण होता है, अभी अपन ने समझा। लास्ट है कि अवयवों के कणों के मध्य पाया जाने वाला बल विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाले बल के समान होता है, अर्थात ए ए तथा बी बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के समान होता है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जैसे मान लेते हैं कि शुगर और पानी हमने लिया, तो शुगर के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वही शुगर और पानी के कणों के बीच भी आकर्षण बल होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं आदर्श विलयन। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो होता है, ये दोनों का विलयन यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा? आदर्श विलयन। अब हम बात करते हैं तो अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन जो होता है वो आदर्श विलयन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी वे विलयन जो सभी ताप और शांतता पर राउल्ट के नियम की पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। सीधी सी बात है, अनादर्श विलयन वे होते हैं जो नीचे दी गई चार शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी? इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम की शर्त निम्न प्रकार से, जिससे अनादर्श विलयन पूर्ण करते हैं अर्थात पालन नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पी इजक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस इतने, इसका पालन नहीं करते, जब इसका पालन नहीं करेंगे मतलब अनादर्श विलयन है। दूसरा है कि जब कोई अवयव ए तथा बी मिलकर बना होता है तो इन दोनों के कुल आयतन इन दोनों से बनने वाले विलयन के आयतन से हमेशा भिन्न रहता है, यानी मान लेते हैं कोई भी विलयन आपके सामने बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आपका एक विलयन है ए बी जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो इनका जो टोटल होगा वो ए और बी दोनों के बराबर नहीं होगा, ये तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अनादर्श विलयन है। तीसरा क्या है कि जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाए तो विलयन में बनाने से इसके एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाए, अर्थात इसकी ऊर्जा का अवशोषण हो या तो फिर उत्सर्जन हो, उत्सर्जन और अवशोषण दोनों हो, यानी उसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है, विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाला बल, विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाला बल इसके अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों से भिन्न होता है, अर्थात ए बी के मध्य पाए जाने वाला बल ए ए और बी बी के मध्य लगने वाले बल से अलग होता है, तो उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो CH3OH तथा जल का विलयन, यानी CH3OH का मतलब होता है आपका मिथिल एल्कोहल, और मिथिल एल्कोहल में अगर हम पानी मिला देंगे तो क्या बनेगा? अनादर्श विलयन। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन, यानी अनादर्श जो विलयन होता है उसमें धनात्मक विचलन क्या होता है और ऋणात्मक विचलन क्या होता है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो अनादर्श विलयन में दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धनात्मक विचलन वाला होता है यानी पॉजिटिव डाइवर्शन होता है, और दूसरा ऋणात्मक विचलन या निगेटिव डाइवर्शन होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। तो अगर हम बात करेंगे धनात्मक विलयन की, धनात्मक विचलन नॉट विलयन, तो धनात्मक विचलन में होता क्या है कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट का नियम का पालन नहीं करती है तो पता है, लेकिन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं इसका मतलब उसमें लगाया गया जो आंशिक दाब है वो मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है, लेकिन समानुपाती होता है तो इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब आदर्श विलयन है। और यहां हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन का मतलब यह है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी यदि आंशिक दाब और उसमें जो मूल अंश है यदि वो समानुपाती नहीं है और यदि बढ़ जाता है इसका मतलब धनात्मक विचलन है, और यदि घट जाता है तो ऋणात्मक विचलन है। नीचे फॉर्मूले दिए हुए, यानी P1 का मान यदि कम हो जाता है तो धनात्मक विचलन है, और अगर P1 का मान बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक विचलन है, ठीक है, बढ़ गया मतलब धनात्मक, घट गया मतलब ऋणात्मक विचलन। विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के कुल आयतन से अधिक होता है। दो चीजें मैंने बताया कि यदि विलयन में विलय और विलायक दोनों को मिला दिया जाए, विलयन का मात्रा बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो आदर्श विलयन है। पर अनादर्श विलयन में क्या होता है कि बराबर नहीं होता, यानी विलय और विलायक दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो विलयन का आयतन यदि ज्यादा हो जाता है, विलयन का आयतन विलय और विलायक के कुल आयतन से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब धनात्मक विचलन हो रहा है, और यदि विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से कम हो जाता है तो इसका मतलब ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। अर्थात विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है,
विलेय और विलायक को मिलाने पर यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है यानी डेल्टा एच का मान पॉजिटिव में आता है, डेल्टा एच का मान यदि पॉजिटिव में आता है तो धनात्मक विचलन, और यदि डेल्टा एच का मान निगेटिव आता है तो ऋणात्मक विचलन। आगे है, विलयन घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों की तुलना में कम होता है। विलयन के घटकों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो शुद्ध घटकों की तुलना में यदि कम हो जाता है तो उसे हम धनात्मक विचलन कहेंगे, और यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम ऋणात्मक विचलन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने क्लियर कर रखे हैं, तो उम्मीद है कि आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर का ये पार्ट भी यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं, दुकान खुल चुकी हैं, तो आप कॉपी खरीद लें, नोट्स परचेज कर लें और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, सेकंड चैप्टर इस समय चल रहा है, सेकंड चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएँ, समझते जाएँ, वैसे वैसे नोट्स बनाते जाएँ, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो समय कम रहेगा, तो उस समय हमें परेशानी ना हो नोट्स बनाने की, इसलिए नोट्स बनाते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स पूरी तरह से बनाइए। फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर इस चैप्टर के हैं उनकी ड्रिप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से जाकर फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर भी आप देख सकते हैं, उसको भी नोट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।